कीर्ति, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस महाराष्ट्र डिश वाटली डाल। गणपति उत्सव में गौरी गणपति विसर्जन के दिन भगवान के नैवेद्य के रूप में बनाई जाती है और सभी को प्रसाद के स्वरूप वाटली डाल दी जाती है। ये रेसिपी बनाने के लिए चने की दाल का उपयोग किया जाता है। चने की दाल को 5-6 घंटे भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है। खाने में स्वादिष्ट, पौष्टिक और कम खर्च में बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। भिगोई हुई चने की दाल, मैंने इसे 4-5 घंटे भिगो के रखा था। आधा बाउल कच्ची केरी ग्रेट की हुई, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून मिर्ची की पेस्ट। तड़के के लिए तेल, राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और नमक। भिगोई हुई चने की दाल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में पीस लेना है, फाइन पेस्ट बनाना नहीं है। अभी मैंने चने की दाल पीस लिए, अब उसे बॉईल करने के लिए कुकर में रखना है। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी लेना है, वो इसके ऊपर स्टैंड रखना है और उस स्टैंड के ऊपर पीसी हुई चने की दाल को रख देना है और कुकर बंद कर लेना है। कुकर की 4-5 विसल होने देनी है। ठंडा होने के बाद बर्तन से निकाल के ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारी दाल को ग्रेट कर लिया है। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। गरम होने के बाद राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, मिर्ची की पेस्ट, अदरक की पेस्ट डाल के अच्छे से फ्राई होने देना है। बाद में हल्दी डालनी है। और शुगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ग्रेट की हुई चने की दाल को ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3-4 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देना है। 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर येलो कलर आ गया है। अब हम इसमें ग्रेट की हुई कच्ची कैरी, स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए कुक होने देना है, जिससे कैरी का खट्टा टेस्ट उसमें आ जाए। वाटली दाल रेडी हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्विंग के लिए एक प्लेट में निकालना है और गार्निशिंग के लिए कटा हुआ धनिया डालना है। खाने के लिए रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, खाइए और आपका अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।